साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं यहां पर छत पर खड़े होकर के पथराव कर रही हैं। तो छत से ये पथराव किया गया, पुलिस की टीम के ऊपर पथराव किया गया, छतों पर जाकर के पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं। उपद्रवी महिलाएं पुरुषों ने जमकर पथराव किया, पुलिस ने घरों में तलाशी शुरू की है। उपद्रवियों के पथराव से भारी अव्यवस्था देखने को मिली। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पत्थरों से हमला किया जा रहा है। 108 से कॉल आई थी सर ने, हमें टीम बना के भेजा था वहाँ पे कोरोना के पेशेंट उठाने के लिए। जब वहाँ पे पहुंचे तो डॉक्टर लोग कुछ वहाँ पे खड़े थे, हमारी सुरक्षा में चंद सिपाही चार लोग थे, जिन लोगों को बोलते हैं आपकी सुरक्षा में ये लोग खड़े हैं। वहाँ पे जैसे पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने आवाज लगाई उनसे, वो घर से आए पेशेंट निकल के, गाड़ी में बैठ चुके थे कुछ लोग। उसके बाद में जैसे वो बैठे तो एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस में, तैयार थे पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए पहले से ही वो तैयार थे। जैसे कि हम लोगों उन्होंने एकदम कहा बोले गाड़ी में से उतरो, जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे, कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए। जो अन्यथा आसपास के लोग जो थे वो आके कह रहे थे वहाँ खाना नहीं मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल रही, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम लोगों को जो है हम अपने साथियों को नहीं जाने देंगे वहाँ। तो हमने कहा भाई मत जाने दो, तो वो पुलिस वाले से कोई कहां सुनी हो गई उनकी, और इतनी देर में ही उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। जो चार लोग इसमें बैठे थे वो उतर गए वो भी, और रोड़े बरसाने लगे। दो हमारे डॉक्टर एस सी अग्रवाल थे उनको तो पिटाई करी है, और पीछे से मेरे चढ़ते हुए जब मैं भाग के इसमें चढ़ा था मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है। मेरे साथ जो मेरा साथी संजीव था उसको भी कुछ ना कुछ मारा उन्होंने। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, मुरादाबाद की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं की तरफ से भी यहां पर पथराव किया जा रहा है। महिलाएं छत पर मौजूद हैं जो पुलिस की टीम के ऊपर हमला कर रही हैं, पत्थर फेंक रही हैं, बड़े बड़े पत्थर यहां पर फेंके जा रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता और जरा